जय यीशु और खुश पर्व। सितंबर 8 एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हम दो पर्व मनाते हैं। पहला माता कलीसिया के द्वारा माँ मरियम की जन्मदिन, दूसरा बालिका दिवस जो भारतीय कलीसिया में बिशप लोगों के द्वारा ठहराया गया, क्योंकि बिशप लोगों को एहसास हुआ कि यहाँ पर बालिकाओं के साथ क्या हो रहा है, उनको कितना पक्षपात, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, ऐसा बुराइयों को सामना करना पड़ता है। इसलिए बिशप लोगों ने सोचा कि साल के एक दिन उनके आदर में ठहराए, उनका सुरक्षा के लिए, उनको महिमा गरिमा दिलाने के लिए, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारे देश में भी हमारे सरकार भी लड़की लोगों के बारे में सोचता है। जब भी जनगणना होता है, एक सच्चाई सामने आता है कि लड़कियों का संख्या लड़के लोगों से कम होते जाता है। हजारों लड़कियों को जन्म लेने का अधिकार से भी वंचित किया जाता है। इसलिए हमारे सरकार बहुत कार्यक्रम प्रोग्राम लड़की लोगों को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किए हैं, और एक नारा भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और साल में एक दिन बालिका दिवस के रूप में हमारे देश में भी मनाया जाता है, वही है जनवरी 24 तारीख। उस दिन देश के अलग अलग जगहों पर बहुत प्रकार का कार्यक्रम होता है। और कलीसिया में CCBI महिला आयोग के द्वारा बालिका दिवस मनाने के लिए पैरिश में, हॉस्टल में, स्कूल में बहुत प्रेरणा और सहयोग देती है। और बाइबल में देखने से उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:27-28 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने मानव को अपने अनुरूप सदृश सृष्टि किया, और उनको नर और नारी के रूप में सृष्टि किया, और दोनों को बराबर आशीर्वाद दिया, फलो फलो पृथ्वी पर फैल जाओ, उसके अधीन उसको अपने अधीन में कर लो। इसलिए ईश्वर के दृष्टिकोण में नर और नारी, बेटा और बेटी, दोनों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, दोनों को बराबरी दृष्टिकोण से देखते हैं। बेटी एक परिवार में एक वरदान के रूप में जन्म लेती है। बेटी बहुत प्यारी होती है, आज्ञाहारी होती है, परिवार को साफ सुथरा रखती है, सबका सेवा करती है। विशेष रूप से माता पिता का, उनके बुढ़ापा में बेटी लोग ससुराल में रहते हुए भी आकर देखभाल करती है, और ईश्वर से लगाव, प्रार्थना में रुचि। बेटी लोग अपना परिवार का और समाज का नाम रोशन करती है। अभी फिलहाल हम लोग सुने हैं उड़ीसा की एक बेटी अर्चना स्वरण UN तक पहुंची है, पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना योगदान देने के लिए। जैसे हम बालिका दिवस मनाते हैं, मैं सब बालिकाओं को शुभकामना देती हूँ, और आप लोगों से ही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप में विश्वास करें, अपने आप को प्यार करें, अपना महिमा गरिमा पहचाने। ईश्वर ने जो गुण आपको दिया है, उन सब गुणों को विकसित करने के लिए परिश्रम करें, अपने पैरों में खड़े हो जाए। जो मौका आपके सामने आता है उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करें, और मौका नहीं मिलने से मौका खोजिए, तो जरूर लोग आप लोगों को तैयार मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ईश्वर आप लोगों को प्यार करता है,
परिवार प्यार करता है, कलीसिया आप लोगों को प्यार करती है, इसलिए मैं भी आप लोगों को प्यार करती हूँ, समर्थन करती हूँ, बधाई देती हूँ। आप लोग आगे बढ़िए, अपने पैर में खड़े हो जाइए, अपने सब गुण क्षमताओं को विकसित कीजिए और परिवार समाज कलीसिया का सेवा में आगे बढ़िए और अपने आप में गर्व की भावना महसूस कीजिए। यही आप लोगों के लिए मेरा शुभकामना और प्रार्थना है। धन्यवाद।